नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं दिनेश सिंह, बेस्ट वन यू के टीम से। साथियों, आप जो मेरे ये जो एरिया देख रहे हैं मेरे आसपास, मेरे पीछे का ये मेरा गांव है। ये धुनी है हमारे गांव की। यहां आपको पता ही है, धुनी में जागर लगती है, पूजा पाठ होते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं जिस जगह खड़ा हूं, यहां पर एक घर है। मैं निवेदन करूंगा शर्मा जी से, जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ। शर्मा जी, प्लीज़ आप आगे आइए। मैं इस घर को दिखाना चाहता हूँ। हम लोग जो उत्तराखंड के अंदर मुहिम चला रहे हैं, एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी की, वो क्यों चाहते हैं? हमें सब भू कानून चाहते हैं, मूल निवास 1950 चाहते हैं, जिसके आधार पर नौकरी मिले। आइए, ये कारण समझिए। हर गांव का ये हाल है। ये गांव देखिए, ये गांव का ये घर देखिए, ये उजाड़ है। यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। ये सब छोड़ छाड़ के जा चुके हैं लोग। आप ये देखिए, कुछ नहीं है। ये लोग छोड़ के गए, लेकिन ये कहाँ गए हैं लोग? आपको पता है ये लोग कहाँ गए? ये छोड़ के उत्तराखंड या तो नीचे तलहटी में बस गए या किसी दूसरे शहर में चले गए। उत्तराखंड छोड़ के कहीं दूर रह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे किसी और ने अपनी गाय बछिया बांधी हुई है। कुछ नहीं है यहाँ पे। ये पूरा घर, इतना सुंदर घर, ये किस जगह पर घर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा शर्मा जी आप जरा आइए, आप दिखाइए ये घर क्या है। यहाँ से आप अपनी खिड़की खोलेंगे, आप यहाँ पर बैठ के चाय पीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। आप ये देखिए, ये क्या जगह है? ये स्विट्जरलैंड से कम है ये जगह। ये पूरी नीचे घाटी दिख रही है, आप देखिए पूरी पूरी हरी हरी घाटी, वो ऊपर रानीखेत। आप देखिए ये क्या जगह है, स्विट्जरलैंड से कम है हमारी जगह। इतनी अच्छी जगह छोड़कर, साफ पानी, साफ वायु छोड़कर, वो पोल्यूशन में मरने, वो 15-20 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करने, हमारा जो गांव का आदमी है, पूरे उत्तराखंड का पहाड़ का युवा है वो सब छोड़ छाड़ के कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह मिलेगी? इतना अच्छा स्वर्ग छोड़ के हम लोग उत्तराखंड छोड़ के क्यों यहाँ से जा रहे हैं? और हम लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए? ऐसे क्यों घरों को वीरान छोड़ दिया है? अगर आप इसकी नक्काशी देखेंगे, लकड़ी पर नक्काशी और की है। ऐसी चीज़ें हम क्या करें? हम परेशान हो चुके हैं बहुत, लेकिन हम लोगों से निवेदन करते हैं, अपने ये सरकार के आगे लगातार मांग उठाइए। 23 तारीख से 27 तारीख तक उत्तराखंड विधानसभा का सत्र है। इसमें अगर ये तीन मांगे पूरी नहीं होती हम तो सरकार के खुल के विरोध में आएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, हम बीजेपी सरकार के खुल के विरोध में आएंगे। आप देखिए ना, क्या जगह है, हम कहाँ खड़े हैं? ये क्या जगह है? कौन छोड़ेगा ऐसी स्वर्ग सी भूमि को? कौन छोड़ेगा ऐसी जगह को? इसी चीज का हमें दुख है, और आज हमें दुख है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने, आपको अलग वीडियो में फोटो में दिख जाएगा, आज हम सुमेश्वर गए, आज हम अपने क्षेत्र में भगवाली पोखर गए, आज हम द्वाराहाट गए, आज हम दो अलग विधानसभा में गए, तीन अलग बड़ी मार्केट के अंदर गए। वहाँ पर हमने लोगों को जागरूक